अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो फकीरी रंग चैनल। एक बार फिर हाजिर आप दी खिदमत दे विच अज दे पैगाम लैके। अज दे इस पैगाम दे विच आप जी दे नाल किस्सा रूड़ी माता भाग दूजा सांझा करांगा। कल दे भाग दे विच आपां देखिया कि रूड़ी माता जदों अबू सवालिया पीर दे कोलों निराश होकर जा रही है ते अगे सैयदना शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी महबूबुल सुबहानी पीर मेरा गौस पाक सरकार बाल उम्र दे विच बाहर खेल रहे सी ते उन्होंने नाल जो गल हुई उसे गल तो आप अज दे इस पैगाम दे विच शुरू करते हैं जी। आओ अज दे पैगाम शुरू करिए उस खुदा दे नाते जो हर एक ते मेहरबान और दयावान है। तो कहन लगे कि मां तेनू मंगना नहीं आया, ये ओ दर है जिस दर दे उपर जो भी आंदा हसदा जांदा कदी कोई रोंदा नहीं जांदा। कहिंदे जाके तीन बचन मंग लें, जो तीन बचन मंग लें ते तिन्ने बचनां दे विच मंगी कि मैनू पुत्र दी दात दे दिओ। कहिंदे कि सलीमा आप घुंड कढ़िया जाके सजदा सलाम कीता तो फकीरां दे बोल के दसो बीबी किवें आई है की चाहिदा। ते कहन लगी कि मैनू तीन बचन दे दिओ। तो फकीर अपनी मस्ती दे विच अपनी सुरती दे विच कहिंदे तीन बचन दिते, मंग की मंगनी है? कहिंदे कि मैनू पुत्र दे दिओ, पुत्र दी दात दे दिओ, मैनू औलाद दा सुख दे दिओ। ते जदों फकीर ने खुल के देखिया कहिंदे कि तू फिर आ गई, तेनू दस्या है कि सत जन्मां दे विच तेरे घरे कोई औलाद नहीं होनी, तू चली जा। तो बीबी सलीमा कहन लगी कि तुसी मैनू तीन बचन दिते ने, मैं हुण इदा खाली नहीं जाना, मैं तुहाडे कोलों औलाद दा सुख लै के ही जाना। कहिंदे कि जा तेनू औलाद दा सुख दिता, पर पहले ये दस तेनू ये ढंग दस्या कि ने? कहिंदे कि ये ढंग मैनू बाहर एक छोटा बच्चा खेल रहा सी उन्हें दस्या। कहिंदे चल पहले उस बच्चे की खबर लईए। ते जदों मीरा गौस पाक सरकार जी दे कोल अबू सवालिए जांदे आ ते कहिंदे कि हाँ भई ये ढंग तू क्यों दस्या? वो कहन लगे सरकार, कहिंदे अबू जी ये ओ सखियां दा दरबार है, जिस दरबार दे उपर लोग रोंदे आउंदे ने ते हसदे जांदे ने, ये बीबी हसदी आई है ते रोंदी क्यों जावे? तो अबू सवालिया पीर कहन लगे कि इहदी तकदीर दे विच सत जन्मां तक पुत्र दा सुख नहीं। तो गौस पाक सरकार जी कहन लगे अबू जी फकीरां दा काम ही हुंदा है तकदीरां नूं बदलना, जे तुसी इहनूं पुत्र दी दात नहीं दे सकदे मैं अपनी जवान दे विचों इहनूं पुत्र दी दात दिंदा, जा मां तेरे पुत्र हो। जदों इन्नी गल कही ते अबू सवालिया पीर ने अपने बच्चे अपने बेटे मीरा गौस पाक सरकार जी दे गल दे उपर एक थप्पड़ मार दिता। इन्नी गल कह के अपने हुजरे विच चले गए ते मीरा गौस पाक सरकार बीबी सलीमा नूं कह रहे ने कि मां तेरे करके असीं थप्पड़ खाधा, जा तेरे पुत्र दी दात तैनूं मिलूगी, तेरे घर पुत्र होगा। पर पीरां दी 11वीं ना भुल्ली, चंद चढ़े नूं जदों 11 दिन हुंदे ने, दिन 10वां रात 11वीं दी होवे ते उस दिन साडे थोड़ी जी न्याज बना के चौलां दी ते सानूं 11वीं दा खत्म दबा दें, या तेरे पुत्र दी दात होवेगी। इन्नी गल जदों होई ते सलीमा खुशी खुशी अपने घर आ गई। उधरों जदों मीरा गौस पाक सरकार जी दे अबू जान उन्होंने देखिया कि गौस हुण एक बली हो गया, एक जमाने विच दो बली इकट्ठे नहीं रह सकते, उन्होंने अपना शरीर छड़ दिता। हुण कहिंदे कि ये जिहड़ी गल जिहड़ी होई कुछ समा बीतिया, टाइम आउण ते बीबी सलीमा दे घर एक पुत्तर ने जन्म लिया। जदों पुत्तर दा जन्म नहीं होया सी ते बीबी सलीमा 11वीं दिन दी रही, जदों पुत्तर दा जन्म हो गया फिर भी 11वीं दिन दी रही, पर कुछ वक्त ऐसा आया कि पुत्तर दे लाड प्यार दे विच इन्नी खो गई कि पीरां दी 11वीं भुल गई। जदों हुण बीबी सलीमा पीरां दी 11वीं भुल गई ते उधरों पुत्त ब्याहण जोगा हो गया, ते जदों घर दे विच पुत्तर दे ब्याह दीआं सलाहां होण लग पईआं, मीरा गौस पाक सरकार जी ने देखिया
कि सातों पुत्र लैके साड़ी 11वीं भुल गई है तो एक बार याद करवा आने कहिंदे कि उधरों घर बच्चे दे ब्याह की तैयारी हो रही है। उधरों मीरा गौस पाक सरकार एक फकीर का रूप धरिया तो जाके उत्थे घर मंगते ने कि माई सानू कुछ खाण नू दे भुख बड़ी लगी है। तो माई कहिंदी कि जा पाई बाबा अगे अगले घर चला जा साढ़े इत्थे कुछ भी है नहीं तेनू देण दे लई। मेरे पुत्र का ब्याह आया मैनू बड़े काम ने। फिर सरकार कहिंदे कि गौस दे नां ते कुछ दे दे। सरकार ने याद करवाया कि बीबी गौस का नाम सुन के चेते करेगी। फिर वह कहन लगी कहिंदी किहड़ा गौस मैं नहीं जानती तू अगले घर जाके मंग लै। फिर सरकार कहन लगे चलो ठीक है जदों चेता आया फिर दे दे। इन्नी गल कह के मीरा गौस पाक सरकार उत्थों चले जाते ने। पुत दियां ब्याह दियां तैयारियां मुकम्मल कीतियां ते जदों पुत ब्याहण दे लई बेड़े विच बह के दरिया तो पार गया। जदों दरिया तो वापस आ रहे ने ब्याह के ते ऐसा एक तूफान आया कि जिहड़ा घूमण घेरी दे विच पा के बेड़ा उत्थे दरिया दे विच डुब गया। जदों बेड़ा दरिया दे विच डुबिया ये खबर बीबी सलीमा नूं जदों पहुंची माता रूड़ी नूं पहुंची घरों नंगे पैरी नठी जांदी है दरिया ते जाके आवाजां मारदी है रोंदी है करलाउंदी है ते कुछ समय बाद जिहड़ा सारा वह तूफान सी उह शांत हो गया। देखदी है कि पानी बिल्कुल शांत है किते बेड़ा नज़र नहीं आउंदा ते उसे दरिया दे कंढे रोंदी करलाउंदी उत्थे ही कुल्ली पा लैंदी है। लोगों ने बड़ा समझाया कि माता घर नूं आ जा हुण जो होना सी हो गया। कहिंदी नहीं मैं तो इसे दरिया दे कंढे अपनी जान दे देनी है घर नूं नहीं जाणा। कहिंदे कि बीबी सलीमा उस दरिया दे कंढे कलमा पढ़दी है याद करदी है सरकारां नूं कहिंदी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इला इल्लल्लाह अल्लाह वाली कुल्ले नूर या मुहम्मद या रसूल तेरी किश्ती तेरा पूर पार लगा दे या रसूल खुदा दा बेड़े बने लाउंदा दम मियां दम जिंदा शामदार तेरा डांका बरकरार तू बौड़े कुल जहान तेरे मेले हर मदान ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अमीन। कहिंदे कि ये कलमा बीबी सलीमा पढ़दी है पढ़द्या पढ़द्या 12 साल हो गए। जदों 12 साल हो गए अखां दी निगाह भी रो रो के चली गई तो मीरा गौस पाक सरकार जी नूं याद आया कि चलो बीबी नूं एक बार फिर चेता करवाइए। कहिंदे कि अपने कुछ मरीदां दे नाल घोड़े दे उपर मीरा गौस पाक सरकार जी उत्थे जदों आए तो बीबी नूं पुछिया वी तू इत्थे की कर रही है। कहिंदी कि मेरे पुत्र दा बेड़ा उत्थे डुब गया मैं आस विच हाँ कि हजे भी बाहर आवेगा। कहन लगे कि तेनू पुत्र कित्थों मिलिया सी ते बीबी सलीमा कहन लगी कि मैनू पुत्र कित्थों मिलिया सी। जदों इन्नी गल होई याद आया रोंदी है करलाउंदी है कि मैनू तां पुत्र वो 11वीं वाली सरकार पीर मीरा गौस पाक सरकार दे करम दे नाल मिलिया सी ते कहिंदे फिर तू की भुली। कहिंदी उन्होंने मैनू हुक्म लाया सी कि 11वीं नहीं भुलनी। कहिंदी फिर दित्ती 11वीं। कहिंदी पहला तां करदी रही फिर भुल गई बड़ा पछताउंदी बड़ियां ताहां मार मार रोंदी है ए पीरा मेरी भुल बख्शा दिओ मैनू बख्श दिओ मेरे तो गुनाह हो गया मैं 11वीं देनी भुल गई। कहिंदे उसे थां ते फिर रूड़ी माँ उन्हें 11वीं बनाई ते दरिया दे कंढे जदों 11वीं दा खत्म दवाया ते मीरा गौस पाक सरकार जलाल दे विच आके मौला अली जी दे नाम दा जदों नारा मारिया ते कहिंदे कि आओ देख दरिया दे विच की आउंदा जद देखदी है कहिंदी बेड़ा आ। कहिंदे किहदा जद लागे जाके देखदी है कहिंदी इह तां मेरे पुत दा बेड़ा है। पुत नूं गल नाल लाउंदी है बड़े चा लाड़ करदी है
ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੇੜਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨੌਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੂੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬੇੜੇ ਸੀ ਡੁੱਬੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੀਰਾ ਗੌਸ ਭਗਤ ਸਰਕਾਰ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦਨਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਲਾਨੀ ਮਹਿਬੂਬ ਉਲ ਸੁਬਹਾਨੀ ਪੀਰ ਮੀਰਾ ਗੌਸ ਭਗਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ।